वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने शाम दिन में हम सबको एक सुंदर मौका दिए कि हम आपके पवित्र भवन में आकर के आपके वचनों से हम सुन सकते हैं, और मेरे साथ हो जिससे कि जो कुछ मैं वचन इस वक्त तैयार किया हूँ उस पर तेरी आशीष हो। हम सबों के गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। मेरा समय हो गया है 12:05, लेकिन मैं संक्षेप में जहाँ तक हो सके जल्दी आप लोगों को यहाँ से विदा दूँगा। और आज का शीर्षक है जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, और 12 चेलों में एक चेला था, वो बुजुर्ग था। और उसका नाम क्या था? सब चेलों से बुजुर्ग था, साइमन पीटर कहेंगे, साइमन पतरस था। और ये साइमन पतरस कम देखें कि उसको कहा गया है कि पेट्रो, ये चट्टान। चट्टान क्यों कहा गया है आगे हम लोग देखेंगे। और ये मेरा शीर्षक है कि एक विश्वस्त चरवाहा। हम जानते हैं कि एक मसीह जीवन में किस कोई अगर जिसी को चरवाहा बनाया जाता है, इसका अर्थ है कि मसीहों का देखभाल करना और उनको उत्साहित करना। हम देखते हैं कि कलीसिया और मंडली में जब लोग आते हैं और उसकी उपासना करते हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी क्या होता है कि हम लोग के लिए जैसे पादरी, प्रचारक, अध्यक्ष हुए, वो लोग होते हैं। और यहाँ साइमन को कहा गया है कि एक विश्वस्त चरवाहा। ये साइमन और उसका भाई आंद्रियास, वो ये बैतसैदा का रहने वाले थे, और वे दोनों मछुआरे थे। वो गलील झील में वे मछली पकड़ते थे, मछुआरे थे। और उसका साथ देने के लिए यहोन्ना, कहेंगे यहोन्ना, और ये उनको साथ दिए यहोन्ना और याकूब। तो ये चारों देखेंगे मछुआरे थे, और ख़ास करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पतरस, यहाँ देखें कि आगे के जब ये कामों में जब व्यस्त थे, और पतरस को हम देखेंगे कि खास करके जो नए नियम में जो मत्ती, मरकुस, मार्क, लूक, यूहन्ना और उसके बाद प्रेरित के काम में, ये पतरस के विषय में प्रेरित क्रिया में अधिक वर्णन नहीं किया गया है। और हम जानते हैं कि पतरस का उसका जो चरित्र था, और वह हमेशा आगे होता था। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले जब क्या होता है कि नाव गलील झील में नाव में जा रहे थे, तो अचानक क्या देखते हैं, सुबह क्या देखते हैं, यीशु ख्रिस्ट कहाँ पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं। तो पतरस कहा कि यीशु, मैं भी आऊँगा, और वो पतरस क्या करता, वो चलता है। और ऐसे बहुत से घटनाएँ को हम देखते हैं कि पतरस के विषय में। अब यहाँ देखेंगे कि जैसे प्रेरित 2:14 में हम पाएंगे कि जब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम जा रहे थे उपासना के लिए, उस समय फाटक में एक लंगड़ा भिखारी वहाँ था, और उसे भिक्षा मांग रहा था। तो उन्होंने कहा कि सोने और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम क्या यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और उनको चंगा किए। फिर पतरस को हम देखेंगे कि जब पतरस को जेल में रखा गया था, उस समय विश्वासी मसीह भाई बहनों ने उनके लिए प्रार्थना किए, और उनको बंदरगी से उनको छुड़ाया गया। यहाँ देखें कि पतरस क्यों एक विश्वस्त चरवाहा
बना। यहाँ पतरस का जो आत्म त्याग और ईश्वरीय सामर्थ पर संपूर्ण रूप से भरोसा करने के बाद उसने एक चरवाहे के नाए कलिशिया की देख रेख करने के लिए बुलाया गया। वह प्रभु को अंत के समय में जब यीशु ख्रीष्ट को पकड़े और उसको जब पिलातिस के पास ले गए, काइफस पिलातिस के पास ले गए, उस समय प्रभु को उन्होंने 3 बार इनकार किए। प्रभु ने पतरस से कहा, हाँ, तो उसने कहा कि उसने इनकार किया। और यहाँ जब हम पाएंगे कि लोक 22 उसका 32 में इसमें कहता है कि हाँ, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को सिर रखना, अपने मंडली के सदस्यों को, कलिशिया के सदस्यों को क्या करना, सिर रखना। और पतरस का बहुत से अनुभव थे, उनको दुख उठाना, पछताव करना। और हम देखते हैं कि जब पतरस यीशु मसीह को 3 बार वो मुकरा और 3री बार उसने क्या किया, अंत में वो समझ गया कि परमेश्वर यीशु ख्रीस्ट के जो प्रेम को वह समझ सका और अपना जो पछतावा था, पूरे दिल से वो पछताव किया कि जब तक वह अपनी कमजोरियों को पहचान नहीं पाया, जब तक वह अपने कमजोरियों को नहीं पहचान पाया। आज भी अगर हम एक विश्वस्त चरवाहा होना चाहें तो हम सबसे पहले अपने कमजोरियां को हम महसूस करें, तब तक वह ख्रीस्ट पर निर्भर होने नहीं जान सकता था। वो अपने कमजोरी को समझ गया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, और वो कमजोरियों के चलते वो क्या करता है कि वह ख्रीस्ट पर निर्भर करता है। और आगे हम देखें कि जब परीक्षाओं के बीच में या आंधी के बीच में उसने समझ पाना कि मनुष्य क्या कहता है सुरक्षित रह सकता है, जब वह संपूर्ण स्वार्थ त्याग कर मुक्तिदाता पर भरोसा रखता है, अपने आप को, जैसे पतरस ने क्या किया, यह स्वार्थपन उसमें नहीं था, स्वार्थपन को वह बदल दिया, पहले का जो चरित्र था वह बदल दिया। आज भी हो भी सकता है कि हम पहले का चरित्र में अलग थे, और जैसे हम अपने स्वार्थ को जो बदल देते हैं तो हम यीशु ख्रीस्ट जो हमारा मुक्तिदाता है उस पर भरोसा रखते हैं। ये ख्रीस्ट ने पतरस को एक ही सवाल को 3 बार पूछे, और ये सवाल कब पूछे, जब यीशु मसीह जी उठे और वे मछुआरे फिर से अपने काम में लग गए, और उस समय वे गलील झील के किनारे यीशु ख्रीस्ट गए, और वहाँ पर पतरस को ये कहते हैं 3 सवाल पूछे। कौन सा सवाल पूछे, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, ये 3 बार सवाल। और पतरस का जवाब कहा है कि हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो जा, मेरे भेड़ों को चरा, यानी कलिशिया के लोगों को उत्साहित कर और उनकी रक्षा रखवाली कर। उसे उसका कार्य सौंपा गया था, कौन सा काम सौंपा गया था कि कलिशिया के लोगों को क्या करे, देखभाल करे। यहाँ उसे प्रभु के झुंड को चराना था, प्रभु के झुंड को, मसीहों को, जो विश्वासी भाई बहन, उनको क्या करना था, उनको साथ देना था और उनको चेतावनी देना था और उनको समझाना था। आज हम देखते हैं जैसे पतरस एक विश्वास और एक अच्छा चरवाहा हुआ, वैसे ही आज हम देखें कि हमारे इस कलिशिया में बहुत ऐसे हैं जो हमारे जो कलिशिया के सदस्य हैं
उन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जितने भी जो अगुए हैं, जैसे कोई भी स्थानीय अगुए भी हो, उनको पत्रस से सीखना है कि कैसे हम उसके सेवा और उसके झुंड की हम देखभाल हम कर सके। जब मन फिरा लिया और ग्रहण कर लिया तो वे केवल अपने आप को हम लोग को नहीं बचाना है। जब हम यीशु ख्रीस्ट को अपना मुक्तिदाता मान लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, तो ऐसा ना सोचे केवल हमें केवल उद्धार पाना है, लेकिन बाहर के झुंड की रक्षा की रखवाली और बचाने के लिए ये पत्रस को चुना गया था। और पत्रस से हम यही सीख सकेंगे कि हमें भी औरों को जो बाहर में झुंड में हैं उनको भी प्रभु के रास्ते में लाते हैं। हो सकता था कि पत्रस के जो अनेक जो योग्यताएं थी और जो योग्यताएं, फिर भी ख्रीस्ट के प्रेम के बिना अगर आज हम पत्रस के जैसे परमेश्वर के या ख्रीस्ट के प्रेम के बिना वह परमेश्वर के झुंड के लिए एक विश्वस्त चरवाहा नहीं हो सकता था। ये पत्रस से हम ये सीखते हैं कि हमें विश्वस्त होना है और हमें अपने लोगों की देखभाल करना है। और जब तक हम परमेश्वर यीशु ख्रीस्त का प्रेम हमें नहीं है, तो हम जो हमारे आसपास हमारे मंडली में जितने सदस्य हैं उसके देखभाल हम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। यहाँ चाहे हमारे पास ज्ञान हो, दानशीलता हो, अच्छा उपदेश हो और जोश से भरे सभी सभी बातें हमारे अच्छे हैं, परंतु हमारे हृदय में ख्रीस्ट के प्रेम के बिना एक मसीही पादरी प्रचारक सेवक का काम क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम पत्रस एक विश्वस्त चरवाह थे और वही पाठ हम सबों को सिखाने चाह रहे हैं। पत्रस अपने संपूर्ण सेवकाएं में विश्वस्तपूर्वक अपने झुंड की देखभाल किया जिससे उसे सौंपा गया था। उनका जो धार्मिक नमूना, जितने अगुए प्रचारक पादरी जो देखभाल करते हैं, उनका धार्मिक नमूना और अथक परिश्रम से अनेक होनहार और युवक युवतियों के को भी प्रेरित करता है। आज जितने हमारे मंडली में जो संस्था में जो नौजवान युवक युवती है, उनके लिए भी ये आग्रह किए हैं। और इसमें कहा गया है कि नौजवानों के लिए कहा है कि हे नौ युवतियों, तुम भी प्रचीनों के अधीन हो, वरन तुम एक दूसरे के सेवा में लगे रहो। नव युवकों को हमारे मंडली में नव युवक व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, और सभी को क्या करना है कि प्रचीनों को जितने अधीर हैं उनकी क्या करना है कि उनके अधीन रहना है और उनकी सेवा करना है। के तो यहाँ कहता है कि विश्वासियों से आग्रह किया जाता है, जैसे हम साबर स्कूल पाठ में पढ़ रहे थे कि बाइबल पाठ का अध्ययन करना, यह पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करे, क्योंकि उसमें क्या है? सनातन जीवन है। उसमें सनातन जीवन है। बाइबल जलाए देगी फिर आगे क्या होगा हमने जानते हैं, और बाइबल के में जो परमेश्वर का वचन है वो हमें पढ़ना है, याद करना है और हमारे दिलों में मनों में हम लोगों को रखना है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन अशांत हृदय को क्या करता है? शांति प्रदान करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर
पर विश्वास में वह क्या करता है, दृढ़ करता है। और यहाँ जैसे साउथ को पांडवी पे देखे हम लोग कि पहला पत्रस जैसा 1:24-25 में कहता है कि हर प्राणी एक क्या है, घास के समान है और उसके सारे शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल क्या होता है, झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या होता है, हमेशा ख़त्म हो जाता है नहीं, वो अटल रहता है। और वे क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित वचन है। और परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। अब विश्वासियों को सरकारी अधिकारियों, यहाँ पत्रस भी कहते हैं, हम लोग इसको पाएंगे पहले पत्रस और दूसरे पत्रस में जब आप पढ़ेंगे इसमें, कि विश्वासियों को सरकारी अधिकारियों के प्रति कैसे व्यवहार रखना चाहिए। आज हम किसी के अधीन में हैं, जब हम जो हमारे जो सरकार जो चला रही है और सरकार के अधिकारियों के लिए क्या कहा गया है, यहाँ कहता है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपने स्वतंत्र को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। हमें सरकारी अधिकारी में, हम कभी कहीं भी काम करें, हम चाहे हम मिशन में काम करें या सरकार में काम करें, कहीं भी काम करें, लेकिन कहता है कि यहाँ पे परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। सबका आदर करो, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, अधिकारियों या राजाओं का सम्मान करो। हमें अधिकारियों और राजाओं का क्या कहता है, सम्मान करने के लिए कहा है। प्रेरित पत्रस ने विश्वास में रहने वाले स्त्रियों से भी उन्हें आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं। और जितने भी स्त्रियां हैं उसमें कहेंगे कि पुरुष भी हो, यहाँ कहता है कि वे अपने बातचीत चाल चलन में क्या कहे, पवित्र बने। हम जितने पुरुष हैं, जितने स्त्रियां हैं, हमारे बोली वचन हमारे जो चाल चलन है उसमें हम पवित्र बने रहे, और अपने पहरावे और आचरण में आडंबरहीन या घमंडी ना रहें। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे चर्च में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कि होता है कि जब पहरावा हम पहनते हैं डिसेंट वे, और इसने कहा गया है कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं उसकी उपासना के लिए, तो हम ज़्यादा भड़कीला, ज़्यादा अपने जो लोगों को देखने से उनका ख्याल अलग हो जाएगा, लेकिन एक साधारण टावर के अच्छे पोशाक साफ कपड़ा पहन करके हम आए परमेश्वर के भवन में, हमारा आचरण में कोई प्रकार के घमंडी या घमंड ना रहे। यह उपदेश या सलाह अभी सभी वर्गों के लिए दिया गया है। यहाँ मत्ती 7:20 मैं पदस्थल नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बने मैं आ रहा हूँ पद, ये 32:7-20 में कहता है कि हम उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे। उनके फलों से, फल क्या चीज़ है, उनके चरित्र से, उनके काम, उनके बात व्यवहार, रहन सहन, खाना पीना, जितना भी हो, हम उनके फलों से पहचाने जाएंगे। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। एक नम्र और शांत आत्मा का भीतरी सजावट अनमोल होता है। यहाँ कहता है, फिर मैं पढ़ देता हूँ, एक नम्र और शांत आत्मा का भीतरी सजावट अनमोल होता है, ना कि हम बाहरी ओर से दिखावा के लिए हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नम्र और शांत आत्मा का भीतरी सजावट क्या होता है,
अनमोल होता है। अब हम देखें कि सच्चे मसीह के जीवन में क्या होता है। जैसे कहते हैं बाहरी श्रृंगार सदा भीतरी श्रृंगार शांति पवित्रता के साथ मेल खाता है। और मत्ती 16:24 में यह कहता है, यदि कोई मेरा पीछा आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। आत्म त्याग और बलिदान, आत्म त्याग और बलिदान ही मसीही जीवन को चिन्हित करेगा। जब यीशु ख्रीष्ट आए हैं कि जो प्रकाशित वाक्य में हम लोग पाते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य 19:14 और प्रकाशित वाक्य 3:14 में जो हम एक आखिरी मंडली के हैं लौदीसिया मंडली। और कहता है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे उसमें वहाँ का पोशाक और जैसे देखेंगे कि श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र ये पवित्रता को दिखाता है, पवित्र चिन्ह को दिखाता है। तो कहता है कि राजा के भवन में प्रवेश करने का ये चिन्ह होगी। हम जब दूसरी बार यीशु ख्रीस्त जब आएंगे तब हम उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को क्या दिया जाएगा, एक शुद्ध वस्त्र दिया जाएगा। हमारा मन, हमारा दिल और हमारा सोच और हमारा जो पहरावा ये सब क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। हमें इस जीवन में ग्रहण योग्य ना काम करना है। आज आधुनिक युग में हम जो कुछ करते हैं हम ये जो ग्रहण योग्य काम हम करें और ताकि आने वाले जीवन में महिमा और अविनाशी मुकुट प्राप्त कर सके। आज पत्रस संक्षेप में हम जैसे पढ़ते हैं पहला पत्रस और दूसरा पत्रस के किताबों को पढ़ते हैं और प्रेरित के काम में हम जब पढ़ते हैं पत्रस को एक विश्वस्त चरवाहा कहा गया है, संबोधित किया गया है और सच्चे रखवाले की आत्मा अपने आप को भूलना है, अपने आप को भूलना है, अपने आप को भूलना है। अधिक याद करना है किसको, आप लोगों को। मैं अपने आप को कम या भूल जाऊंगा लेकिन आप लोगों को नहीं भूलूंगा, ये चीज़ होना चाहिए। ये आत्म क्या होता है कि विश्वास और अपनी ओर दृष्टि करना भूल जाना है ताकि परमेश्वर के काम को विश्वासपूर्वक हम कर सके। हमारा दृष्टि कलवरी के क्रूस पर होना है, हमारा जो नज़र कलवरी के क्रूस पर नज़र होना है। हम 12 चालों में देखते हैं पतरस और यहूदा इस्करियोत को, दोनों थे यीशु मसीह के चेले थे लेकिन दुख की बात के हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोत क्रूस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन पतरस वो हिम्मत हारा और अपने गलतियों को महसूस किया और वह क्रूस तक पहुंचा और वह एक विश्वस्त चरवाहा साबित हो गया। ऐसा ना हो कि आज हम मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, हमारा नज़र क्रूस से ना हटे। क्रूस हमारा उद्धार करता है, मसीह पर हम विश्वास करें और हम अपने जो कलीसिया के लोगों के लिए एक अच्छा भंडारी रहे। भंडारी रहे माने एक दूसरे के सेवक बने। हाँ, अतिथियों का कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं और कोई तकलीफ में हैं, उनकी हम सेवा करें ताकि परमेश्वर हम सबसे ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा देखभाल करने वाले बने, एक रखवाला बने और जिससे कि जितने भी हमारे 7 एडवेंटिस्ट के कलिसिया हैं और कलिसिया के जो सदस्य हैं वे क्या करें, अंत तक वे धीरज धरे, क्रूस पर अपने नज़र डाले और उनका विश्वास अटल रहे ताकि जब यीशु ख्रीस्ट आए तो हम सब कोई जितने भी हम मंडली में हैं
सभी कोई हम आशा करते हैं कि सभी कोई परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और उसके पदचिन्हों पर चले, आज्ञाओं का पालन करे और परमेश्वर हम सबको शक्ति देंगे ताकि वो समय आएंगे जब यीशु ख्रिस्त जब दूसरी बार आएंगे हम उनके साथ स्वर्ग या कनान में हम हो सके। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर हम सबों को आशीष देवे। आमीन।